हेलो स्टूडेंट, अब हम सॉल्यूशन के नए कंसंट्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, नॉर्मेलिटी। देखिए नॉर्मेलिटी क्या है। नॉर्मेलिटी को हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और नॉर्मेलिटी मीन्स होता है द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। नॉर्मेलिटी का मतलब होता है द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वन लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, वन लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मेलिटी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हम बोल सकते हैं कि सर नॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में लेना है स्टूडेंट, इन लीटर। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये उठ रहा था, सर ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, सर ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या है। ठीक है, देखो स्टूडेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है आपका गिवेन मास। ठीक है, सॉल्यूट का कितना मास गिवेन है, तुम्हारे जानो इसको रिप्रेजेंट कर दिया W से, अपॉन इक्विवेलेंट मास। ठीक है, तो उसका इक्विवेलेंट मास क्या है, क्लियर है, इक्विवेलेंट मास जिसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया E से। ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं कि सर नॉर्मेलिटी N है तो और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट को हम क्या बोला है, W अपॉन E, तो मैं लिख सकता हूँ W अपॉन E इंटू भी और भी इन लीटर। ये हमारा नॉर्मेलिटी का क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब मान लीजिए कि आपके क्वेश्चन में ये वॉल्यूम जो है वो लीटर में ना दे करके आपका ये क्वेश्चन में ml में दिया हुआ है वॉल्यूम, तो क्या करोगे, तो आप लिखोगे सर नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा, w अपॉन e b, अभी किस में दिया है, इन ml में दिया है, तो आप इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कि इसको आप 1000 से डिवाइड करोगे, तो फिर 1000 अगर डिवाइड करोगे तो 1000 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मेलिटी का क्या आ गया, फॉर्मूला। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मास वॉल्यूम और इक्विवेलेंट वेट रख करके हम नॉर्मेलिटी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, इसके यूनिट के बारे में बात किया तो क्या कहना चाहोगे, तो यूनिट क्या होगा, तो ग्राम इक्विवेलेंट, यूनिट क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ये इसका क्या हो गया, यूनिट हो गया, या इसको हम लोग एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो स्टूडेंट, अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम आता है वो प्रॉब्लम क्या आता है, इक्विवेलेंट वेट को लेकर के आता है, कि सर इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो अगर रूल्स की बात करें, रूल फॉर इक्विवेलेंट वेट को फाइंड आउट करने के लिए कुछ रूल्स के बारे में डिस्कस करें। ठीक है, तो पहला रूल्स ये है कि अगर कोई एटम है, ठीक है, तो एटम मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल भी हो सकता है। ठीक है, तो मेटल का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, ठीक है, तो मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हम पहले ये समझें कि इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है मोलर मास, जिसका आप निकाल लो इक्विवेलेंट वेट, उसका मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। ठीक है, अब हमको एन फैक्टर चाहिए, तो अलग अलग केमिकल स्पीसीज का एन फैक्टर अलग अलग होता है। जैसे मान लो मेटल का एन फैक्टर क्या होता है, मैं बात करूं एन फैक्टर ऑफ मेटल, किसी भी मेटल का एन फैक्टर क्या होता है, तो देखो स्टूडेंट किसी भी मेटल का जो एन फैक्टर होता है, ठीक है, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके बैलेंस में जो भी इलेक्ट्रॉन है वो उसका क्या होता है, एन फैक्टर होता है। जैसे मैं कहूँ कि कैल्शियम का एन फैक्टर कितना होगा, तो 2। मैं कहूँ सोडियम का एन फैक्टर कितना होगा, तो 1। ठीक है, तो जो मेटल उनका बैलेंस में जो भी इलेक्ट्रॉन होता है वो उसका क्या होता है, एन फैक्टर होता है। अब दो सेकेंड पॉइंट, कि अगर मैं पूछूँ आपको बताइए एन फैक्टर ऑफ नॉन मेटल, किसी नॉन मेटल का एन फैक्टर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो किसी भी नॉन मेटल का एन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, उसके बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है उसको 8 से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे मान लो ये मैंने पूछा क्लोरीन का बताओ एन फैक्टर कितना होगा, तो क्लोरीन के बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 7, 8 माइनस 7 इक्वल टू 1। ठीक है, मैं आपसे पूछूं ऑक्सीजन का एन फैक्टर कितना होता है, तो ऑक्सीजन बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। इस तरह से हम एन फैक्टर निकाल सकते हैं किसी मेटल का और नॉन मेटल का। देखो स्टूडेंट, अगर आयंस की बात किया जाए, आयंस का, तो अगर एन फैक्टर
ऑफ आयंस की बात करें तो एंड फैक्टर ऑफ आयंस क्या होता है, चार्ज परसेंट ओवर ए, ठीक है, उसके ऊपर जो भी चार्ज होता है वो उसका एंड फैक्टर होता है, ठीक है, हम बोल सकते हैं चार्ज प्रेजेंट ओवर ईट, उसके ऊपर जो भी चार्ज प्रेजेंट हो। देखिए ये देखिएगा वैल्यू जो है मार लेते हैं, मतलब साइन नहीं लेते हैं, सिर्फ वैल्यू लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ सोडियम आयन का एंड फैक्टर कितना होगा, तो वन। मैं कहूँ ओ माइनस टू का एंड फैक्टर कितना होगा, टू। मैं कहूँ एन माइनस थ्री का एंड फैक्टर कितना होगा, थ्री, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, मैं इसको इरेज कर दूं, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इरेज करूं, ठीक है। चलिए अब मैं अगर बात करता हूं कि किसी भी एसिड और बेस का एंड फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट, एसिड और बेस का एंड फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अगर मैं बात करूं एंड फैक्टर ऑफ एसिड, एंड फैक्टर ऑफ एसिड, किसी एसिड का एंड फैक्टर क्या होता है, तो किसी भी एसिड का एंड फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ रिप्लेसिबल एच प्लस आयन, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड, क्लियर है, बेसिसिटी ऑफ एसिड, मतलब उस एसिड में कितने रिप्लेसिबल एच प्लस आयन है वही उसका क्या होगा, एंड फैक्टर होगा। जैसे मैं कहूँ एच सी एल का एंड फैक्टर कितना होगा, तो वन। एच टू एस ओ फोर का एंड फैक्टर कितना होगा, टू। सी एच थ्री सी ओ एच का एंड फैक्टर कितना होगा, तो कई बच्चे कहते हैं जल्दी जल्दी में फोर लिख देते हैं, नहीं, इसका एन फैक्टर जो होगा कितना होगा, वन होगा। क्यों, क्योंकि देखो क्या कर रहा है, नंबर ऑफ रिप्लेसिबल एच प्लस आयन, और वही एच प्लस आयन रिप्लेसिबल होगा, वही हाइड्रोजन रिप्लेसिबल होगा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ क्या होता है, अटैच होता है। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर लेकर के देखूँ सी एस थ्री सी ओ एच का, दिस इज द सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, तो यहाँ देखिए ये जो तीनों हाइड्रोजन है वो कार्बन से अटैच है, जो कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव नहीं है, इनके बीच इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस बहुत ही कम है। लेकिन इस हाइड्रोजन की बात करें तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है, और ऑक्सीजन जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है इन कंपेरिजन टू हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो इसलिए सी एस थ्री सी ओ एच का एन फैक्टर कितना आता है, वन, क्योंकि इसके अंदर रिप्लेसिबल एच प्लस आयन कितने हैं, वन। क्लियर स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं एन फैक्टर ऑफ बेस, किसी बेस का एन फैक्टर क्या होता है, ठीक है, तो एन फैक्टर ऑफ बेस, ठीक है, तो किसी बेस का एन फैक्टर क्या होता है, तो हम बोलते हैं नंबर ऑफ रिप्लेसिबल ओ एच माइनस आयन, या हम बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं, एसिडिटी या बेस, इसी को हम एसिडिटी या बेस बोलते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर कितने रिप्लेसिबल ओ एच माइनस आयन है वो इसका एन फैक्टर होगा। जैसे मान लो स्टूडेंट मैं कह दूं एन ए ओ एच का कितना एन फैक्टर होगा, तो वन। मैं कहूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर कितना होगा, टू। मैं कहूँ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर कितना होगा, थ्री, ठीक है। तो उसके अंदर कितने रिप्लेसिबल ओ एच माइनस आयन होते हैं वही उसका क्या होता है, एन फैक्टर होता है, क्लियर है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट का एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट का हम एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो बताइए एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका यूज हमको टाइट्रेशन में करना होता है, जब हम पेटकल करते हैं मोर साल्ट का, ऑक्सैलिक एसिड का, ठीक है, जब क्यों फोक्स टाइट्रेशन करते हैं तो वहां पर हमको एन फैक्टर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो एन फैक्टर कैसे निकालते हैं किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का और रिड्यूसिंग एजेंट का, तो सबसे पहला क्वेश्चन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको बोलते हैं जिसका रिडक्शन हो और दूसरे को क्या करे, ऑक्सीडाइज करे, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जिसका खुद का क्या हो, ऑक्सीडेशन हो और दूसरे को क्या करे, रिड्यूस करे। जैसे चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लो मैंने ले लिया कापर, चलो कापर ले लिया और जेडन प्लस टू लिया, ठीक है, ये क्या बन गया, कापर प्लस टू बन गया और प्लस क्या बन गया, जेडन बन गया, ठीक है, कापर प्लस जेडन प्लस टू, कापर प्लस टू जेडन। अब क्या देख रहे हो कि यहाँ कापर जो है वह जीरो से कहाँ जा रहा है, प्लस वन में, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और जेडन प्लस टू कहाँ जा रहा है, जेडन में, प्लस टू से जीरो में जा रहा है, इसका मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये क्या है आपका, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अब किसी भी ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग का एन फैक्टर क्या होता है, तो किसी भी ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग का एन फैक्टर होता है कि नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हो रहा है टोटल, ठीक है। जैसे यहाँ पर कापर जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, दो, इसका मतलब इसका एन फैक्टर कितना हो गया, टू। जेड एन प्लस टू का देखा जाए तो देखिए जेड एन प्लस टू में कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, दो, ठीक है, इसका भी एन फैक्टर कितना हो गया, टू। क्लियर है। तो जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है वही उसका क्या होता है, एन फैक्टर होता है। क्या सबको समझ में आ रहा है, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप हमसे क्वेश्चन
कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।